आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं राधिका ढोंडियाल एक बार फिर आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस ढोंडियाल में। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलो दोस्तों, करते हैं आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग तो मौसी के घर से ही हो रही है और टाइम हो रहा है अभी 10:45 मेरे ख्याल से। तो अभी जस्ट हमारा नाश्ता वगैरह भी हो चुका है, मौसी ने करा लिया था 9 बजे। तो आज हम दोनों उठे, मैं और मधु, बाकी तो सब उठ गए थे क्योंकि वो तो सब ड्यूटी वाले हैं, तो ड्यूटी वाले तो अपने अपने टाइम पे चले ही जाते हैं। और मौसी ने उनके लिए लंच वगैरह तैयार किया, नाश्ता वगैरह जो भी, तो वो फिर टाइम से निकल गए जो जिसका टाइम था। और मैं और मधु तो 9 बजे उठे, फिर उसके बाद मतलब नाश्ता वगैरह किया और फिर मौसी ने अपने काम वगैरह निपटाए और अभी मौसी वहाँ आराम से बेड में बैठ के टीवी देख रही है। तो मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ही लेती हूँ। अभी मैंने जस्ट मम्मी को भी फ़ोन किया था, तो मम्मी बोल रही है कि हाँ कब आओगे तुम। मैंने बोला हम यहीं रहेंगे, तो मम्मी बोली हाँ वहीं रहो 4-5 दिन के लिए। मैंने बोला ठीक है, तो चलो देखते हैं दिन भर जो भी होता रहेगा। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए दोस्तों, ठीक है। मौसी देख रही है टीवी, अभी किसी का फोन आ गया, बाहर चली गई और मधु नहा रही है। मैंने तो नहीं नहाया आज क्योंकि मैं साबुन वगैरह भी घर पे ही भूल आई, तो तब जाके, तो अब कल ही नहाऊंगी, है ना दोस्तों, अपने घर पे जाके। झूठ नहीं बोल रही मैं, सच में मैंने नहीं नहाया आज। वैसे भी सब देवर वगैरह सब दोनों चले गए और अमीषा भी चली गई, मौसी भी अकेली ही है। तो मैंने सोचा कि दिन भर अब मौसी भी अकेली रहेगी तो शाम को ही निकलेंगे फिर हम 4-5 बजे के टाइम पे। थोड़ा दिन भर मौसी के साथ रह लेंगे आज, है ना। कल से तरह से भी अकेले रहना है मौसी को, पर फिर भी चलो आज मैंने बोला रह जाते हैं, फिर शाम को निकल जाएंगे मैं और मधु। तो अभी लंच भी रेडी हो चुका है और मौसी ने रायता भी कर लिया है तैयार दोस्तों, और दाल चावल बनाया है मौसी ने। तुम बोल खाना? हाँ यार, पुगा तुम बोल के खाने है? तुम बोल मैं बना लूं मिल के के बना। हां तो और ये देखो, ये तो यहाँ लेटी हुई है। अब मुझे मौसी ने थोड़ी सी दाल दे दी टेस्ट करने के लिए। तो हो चुका है अब टाइम, लंच टाइम, तो खाना खाते हैं। अब मौसी ले आई है बर्तन वगैरह। ये चले खाणो नहीं खाना है तेरे दोस्तों? मत बोलियो, पर मुझे बोल मम्मी की याद आ रही है। पर्स माँ बोलनी चाहिए कि आप नहीं आंदोलन सबल मेरे याद वाल। मम्मी बोल रही थी हाँ, पता क्या, ये दोस्तों से भी बहुत छोटे थे ना, ये मम्मी को पीछे ही नहीं छोड़ती थी। हाँ अब पता, इस बार ये आई ना तो मम्मी को फोन भी नहीं कर रही। एक दिन मम्मी ने बोला कि तूने उसको फोन किया, मैंने बोला नहीं मैंने तो नहीं किया। मम्मी बोल रही उसका बोल फोन भी नहीं आया, फिर मैंने इसको फोन किया कि मैंने बोला फोन कर ले जरा तब जाके। हाँ पता नहीं भाई, दोस्तों अभी समझदार हो गई है भाई कि मेरी भी शादी होगी, मुझे भी दूसरे के घर जाना है ना। सच में भाई दोस्तों ऐसे होते हैं लोग, ऐसे चेंज हो जाते। तो चलो अब स्वादिष्ट लंच का आनंद लेते हैं। और मौसी तुम बहुत ही ज्यादा रहा है ख्याल ना ना काम कह जाता दोबरा ले लो मैं तुम्हारी कसम से। हम गुण तो पहले काम कम रखे। और अचार का डब्बा भी है दोस्तों और रायता। आज तो लंच में मजा आ जाएगा। हाँ बस, तो हो चुका है खाना भी और पेट हो गया दोस्तों फुल, क्योंकि नाश्ता भी आज हमने 9:30 बजे किया था और उसके बाद काम वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो फिर बैठ बैठ के कुछ ज्यादा ही खा लिया। सच में आज पेट हो गया है फुल। इसको देखो तुम, अब थोड़ी देर आराम करते हैं और बाहर बहुत तेज धूप लगी हुई है, फिर जाना भी है, टाइम से निकलना भी है। सब सो रखे हैं दोस्तों, मैं ही उठी हूँ। चाय बनाते दोस्तों और
अच्छा 4 बज गई साढ़े चार नहीं। तो दोस्तों मैं वीडियो शूट कर रही थी और बंद थी वीडियो, बताओ यार। तो अभी मेरा आइडिया फेल हो गया, मुझे लगा मौसी सोई हुई है लेकिन शायद मौसी उठी हुई थी। आ गई है मौसी चाय का ग्लास लेके, और मधु तो नहीं पीती चाय। तो अभी टाइम हो रहा है 5:15 हो चुका है और बाहर धूप भी लगी है। 4:15 पे हमने चाय पी ली थी, पर फिर धूप भी लग रही थी, मैंने सोचा अभी थोड़ी देर में निकलेंगे धूप देखो। तो अभी चलो रेडी होते हैं, मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया बालों पे और पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ फिर बनाती हूँ बाल। मधु ने तो चेंज कर लिए हैं, मुँह धुल रही है, क्या धुल रही है तू मुँह, यहीं पे तो जाना है। तो चलो पहले फटाक से करते हैं कपड़े चेंज। तो अमरीश पांडे भी आ चुके हैं। नमस्ते नमस्ते, आ गया तू? नमस्ते मेरे बड़ी जल्दी। हाँ तो दोस्तों कल अमरीश पांडे घर पे नहीं आए थे क्योंकि कल उसका नाइट था, आज वो जल्दी आ गया, तो चलो अच्छी बात है। तो रेडी हो चुके हैं हम और कपड़े वही पहने हैं जो कल लेके आए थे क्योंकि ज्यादा कपड़े नहीं लाए। और मधु बालाजी भी दोस्तों रेडी हो चुकी है, और मधु बालाजी बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने घर में जाने के लिए, और अपना थैला भी रेडी कर लिया इसने। क्या बोले इसके लिए, क्या और पन्नी का भी हो गया, पन्नी टूट चुकी है और मौसी पन्नी धरे रह दिया, और अमरीश पी रहा है अभी चाय। मैंने बनाई है जो कि मैंने बनाई है, हाँ जो मधु बालाजी ने बनाई है, उसके काम तो दोस्तों दिखाने पड़ेंगे ना। और अभी मधु के लिए वो है कि मधु की रोटी बल बनाते हुए देखनी है मधु के सब्सक्राइबर को। चलो ठीक है अमरीश पांडे बाय बाय, दिख भी नहीं रहा, आ रहा है। हाँ चल 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 चल, ठीक ठीक ठीक, तू रेस्ट कर। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाइयो कभी। अब अमरीश भाई ड्यूटी वाला हो गया, और मौसी दोस्तों हमारे साथ ही आ रही है ना, मौसी हमारी मौसी नहीं छोड़ती है ना। मौसी का दोस्तों तैला भी हो चुका है और आज ही अलग ही तैला है देखो। तो चलते हैं और मौसी आदत आ रही वही सुल्तानपुरी तक। हाँ समझू ली जैसे तैला था मैं। हाँ जब मनीष के लिए हम लड़की ढूंढने जाएंगे ना तब मौसी वाला बैग ले जाएगी। चला जा चला चला। ये है दोस्तों यहाँ का अवंतिका का पार्क, मौसी बोल रही इधर से ही चलते हैं, और बहुत भीड़ है पार्क में। हाँ हाँ परसों मधु और मौसी आए थे पहले यहाँ घूमने के लिए, और देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी इस बोर्ड पे। और ये देखो तुम लगे हैं लोग दोस्तों एक्सरसाइज करने पे। अभी हम पहुंच गए दोस्तों घर पे, और मम्मी पापा पता नहीं कहाँ होंगे, देखते हैं घर पे ही मिल होगा। तो दोस्तों सबके लिए अपना अपना काम है, मम्मी सिलवट्टे में लहसुन और हरी मिर्च पीस रही है, और मधु करेगी कद्दूकस टमाटर को, प्याज उसने कर लिया है, और मैं बना रही हूँ सब्जी। और सब्जी में मैं दिखाती हूँ आज बन रहे हैं कोफ्ते। कम हो गया तेल आई रहने, तुम्हें तो क्या लामिया भी करो। और इस साइड पापा कर रहे फ्राई, और मैं तब तक मसाला वगैरह बना देती हूँ। अभी मैंने ऑनली प्याज रखा है। अच्छा दे हाँ अब पक गए, पापा हिसाब लगा रहे हैं। हाँ थोड़े ऐसे ही खा लेंगे हम, और लिया खाने। तो अभी सब्जी तो रेडी हो ही चुकी थी, और अब है रोटी बनाने का टाइम। कल तो मैं बैठ बैठ के खा रही थी, आज मुझे बनाना पड़ रहा है। वैसे सब्जी पापा ने बना ली है, रोटी बनानी है बस।
रोटी भी मम्मी बना लेती तो मजा आता। मरोटा बाणी क्या आए उपारो मौस भी तो बाणा आंद सुन रहे हूँ मौसी तू बस वैर नहीं तो क्यों आंद आप पर हाथ कुटा हिलान चाहिए हाथ बहुत हिली है बिया बिया बड़ी जड़ पोचा झाड़ू पोछा कपड़ों कत मार तो कपड़े भी अच्छे हैं तो नाश्ता पानी अच्छा था क्यों मैं बोल तो बिन था गुबिया बड़ी देखो दोस्तों भांडो कट गए हाँ दुनिया भर के तो क्यों मौज भी कर दी यार चलो करना ही पड़ेगा क्या बोले आप। तो अभी हो चुका है खाना वगैरह और बर्तन भी धुल लिए हैं। बर्तन आज तीन जनों ने धुले, थोड़े से मधु ने, फिर थोड़े से मैंने, फिर थोड़े से मम्मी ने। तो आज ना कल मैंने कल से काम ही किया था ना, तो आज मेरे हाथ दुख रहे हैं दोस्तों काम करके। दुख रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? चलो यार फिर कुछ हो दोस्तों, एक बार फिर से अपने रूम पे। कल मेरा रूम मुझे मिस कर रहा था, मुझे पता है, आके तुरंत मेरे बेड ने मुझे यही बोला आई मिस यू वाला। तो चलो, और आज मधु वाला भी आ गई है। हेलो हाय किया तूने बेड को? रहन दे यार, बाय बाय। तो चलो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आप सब लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट मॉर्निंग के साथ। तब तक ले बाय दोस्तों, तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।